बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ओमकार और आप देख रहे हैं ऑटो सेल इंडिया। आज के वीडियो में हम जो कार देखने वाले हैं वो है जीप कंपास स्पोर्ट्स प्लस मॉडल, जो कि बहुत ही बेहतरीन मॉडल है जीप की तरफ से आने वाला। ये एक बेस वेरिएंट है जीप कंपास का। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अभी हम जल्दी से इस कार को देखते हैं। स्पोर्ट्स प्लस मॉडल, अभी मैं आपको इस वीडियो में इस कार का एक रिव्यू देने की कोशिश करने वाला हूँ। मतलब मैं आपको इस वीडियो में इस कार की जो सारी की सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ, इसके अंदर आपको क्या फीचर्स मिलते हैं या इस कार की क्या कीमत रहने वाली है, मैं आपको ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस कार की लाइट्स के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर जो है वो आपको हाइड्रोजन लैंप्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको 7 स्लॉट की जो है वो ग्रिल मिलती है। सामने के साइड में आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा कूल लगती है। यहाँ पे आपको जीप का जो है वो क्रोम प्लेटेड जो है वो लोगो मिलने वाला है और आप इस कार की जो है वो पूरी लुक देख लीजिए। ये कार जो है वो आपको बहुत ही मजेदार लुक में हमें देखने को मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पे व्हील्स के साइड में देखें तो इस कार के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि 16 इंच के अलॉय व्हील्स है। इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और ये नॉर्मल डिस्क ब्रेक नहीं है। इसके अंदर आपको ड्यूअल प्लेट जो है वो डिस्क ब्रेक मिलता है जो कि 4 चैनल ABS के साथ आते हैं। मतलब आपको सारे के सारे व्हील्स में इंडिविजुअल जो है वो डिस्क ब्रेक्स मिलने वाले हैं और सारे व्हील्स के अंदर इंडिविजुअल सेटअप रहने वाला है ABS के लिए, जो कि काफी ज्यादा कूल रहता है और इससे सेफ्टी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अभी हम बात करते हैं इसके रेयर लाइट्स के बारे में। आप ये भी लाइट्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा कूल लुक में आते हैं और पीछे की भी आप पूरी एक बार लुक देख लीजिए। पीछे से ये कार बहुत ही ज्यादा मजेदार दिखती है। पीछे की लुक भी इस कार की बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स प्लस की जो है वो बैजिंग मिलने वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं एक कार आपको अंदर से भी पूरी दिखा दे तो बाहर से तो एक कार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिखती है। A few moments later. तो अभी मैं आपको एक कार अंदर से पूरी दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर आपको डोर्स के अंदर चारों विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको साइड मिरर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जो डोर ओपनिंग का नॉब है वो आपको पूरा ही क्रोम प्लेटेड मिलता है। और आप ये कार अंदर से पूरी देखें, आपको अंदर के साइड में जो है वो डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखने वाला है। ये जो मटेरियल है ये एक सॉफ्ट टच मटेरियल है, जिससे आपको अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इससे आपको कोई भी हार्म नहीं होने वाली। आप यहाँ पे इस कार का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह का जो है वो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है जो कि सेमी डिजिटल टाइप का है और ये भी बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग लगता है। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन मिलती है जो कि लगभग 7 इंच की स्क्रीन है और ये भी काफी ज्यादा अच्छी है। ये एक टच स्क्रीन है और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है इस कार के अंदर। यहाँ पे आपको चारों डोर्स के अंदर जो है वो स्पीकर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक हैंडरेस्ट मिलता है डोर के अंदर जो कि लेदर कुशनिंग के साथ आता है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और आप सीट्स भी देख सकते हैं, इसके अंदर आपको फैब्रिक सीट्स आती है और इसकी जो पोजीशन है वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कुशनिंग है वो भी बहुत ही प्रॉपर कुशनिंग आपको इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ पे इस कार के अंदर आपको 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स जो है वो मिलता है। यहाँ पे आपको USB के कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ऑक्स का पोर्ट मिलता है और यहाँ पे आपको लाइटर भी जो है वो मिल जाता है। आप इसका जो डैशबोर्ड है वो एक बार पूरा देखें, आपको काफी अच्छा जो है वो डैशबोर्ड मिल जाता है इस कार के अंदर। One hour later. तो अभी मैं इस कार के रेयर साइड में आ चुका हूँ और आप इस कार की जो है वो पीछे की भी लुक देख सकते हैं। ये कार जो है पीछे से भी बहुत कंफर्टेबल है, इसके अंदर आपको लेग रूम भी जो है वो काफी अच्छा मिल जाता है। इसके अंदर आपको एक डिसेंट सा लेग रूम जो है वो मिल जाता है और यहाँ पे आपको पीछे के साइड में भी जो है वो रेयर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे आपको एक USB पोर्ट मिलता है। आप यहाँ पे पीछे के सीट्स भी देख सकते हैं, आपको पीछे के सीट्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, ये भी आपको पूरे ही फैब्रिक सीट्स मिलते हैं। और ये एक हैंडरेस्ट भी है जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। आप बाकी भी इस कार को अंदर से पूरा देख सकते हैं। एक बार मैं आपको इस कार की बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ क्योंकि इसकी बूट भी काफी ज्यादा बड़ी है। 2 hours later. तो ये है इस कार की बूट। इस कार के अंदर आपको 438 liters की जो है वो बूट स्पेस मिलती है, काफी मैसिव आपको इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाती है। और नीचे के साइड में जो है वो आपको स्पेयर व्हील मिलता है जो कि एक नॉर्मल व्हील है, ताकि आप इस कार को पूरा ही देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस कार के अंदर जो है वो आपको बूट में भी जो लाइट्स मिल जाते हैं, साइड में आपको थोड़ी सी स्पेस जो है वो मिल जाती है यहाँ पे। 3 hours later. अभी
अभी मैं आपको इस कार की जो है वो प्राइस बता देता हूँ। ये है जीप कंपस स्पोर्ट्स प्लस मॉडल और इसकी जो डीजल में प्राइस है वो है 17,99,000 जो कि एक शोरूम प्राइस है, और जो पेट्रोल में प्राइस है वो है 16,49,000 रुपीज और ये भी एक शोरूम प्राइस है। अगर आपको ये कार पसंद आती है और अगर आप नासिक से हो तो आप मोहरीर जीप में आ सकते हैं क्योंकि नासिक में एक ही जीप का शोरूम है, और अगर आप नासिक के बाहर से भी हो तभी भी आप यहाँ पे आके कार जो है बाय कर सकते हैं और आपको इस कार के ऊपर फाइनेंस के भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन जो है वो मिल जाने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था इस वाले चैनल का। हमारा और भी एक चैनल जिसके ऊपर मैं सेकंड हैंड कार्स के जो वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आप एक सेकंड हैंड जीप कंपस बाय करना चाहते हैं, आप कोई भी सेकंड हैंड कार बाय करना चाहते हैं तो आप वो चैनल पर भी जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वाली इसी हम।